अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पार्क लर्निंग स्पॉट। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि उनके एफएससी के कितने मार्क्स हो तब जाके उनका जो मेडिकल के कॉलेजेस में एडमिशन होगा। जब सब स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल के होते हैं उनका ये ख्वाहिश होती है कि वो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो प्राइवेट पब्लिक मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका दाखिला हो जाए। अब उनको ये होता है कि उनके कितने एफएससी के मार्क्स होने चाहिए तब जाके जो है वो गवर्नमेंट के अंदर कोई सीट सिक्योर कर पाएंगे। अब आपको बताते चले कि हर साल जो है वो लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर की सिर्फ हम लोग पता चले कि 1,24,000 से ज़्यादा के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई किया था और उसमें से जो है वो सिर्फ 3,000 या 4,000 के राउंड जो है वो गवर्नमेंट की सीट्स थी गवर्नमेंट एमबीबीएस की, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो सिक्योर कर पाते हैं। अब आपको हम लोग एक कम्प्लीट फिगर बताते चले कि इसमें जो है 2015 से अगर हम लोग आपकी बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 85.31 था, और विद टाइम जो है ये क्लोजिंग मेरिट जो है वो इंक्रीज करता गया है। सिर्फ हम लोग अगर 2019 और 2020 की बात करें जिसमें जो है एमडी कैट के मार्क्स जो है वो 200 में से थे, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2019 के अंदर 91.43 के ऊपर क्लोजिंग मेरिट रहा था, और इस साल जो है 2020 के अंदर जो है वो जो क्लोजिंग मेरिट है वो 91.6773 रहा। और इसमें जो है अगर स्टूडेंट्स के जो मिनिमम एफएससी के मार्क्स आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर उनके एफएससी के 965 थे तो उनको एमडी कैट के अंदर 200 में से 192 मार्क्स हो गए तब जाके जो है वो एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। अब आप लोगों ने जो है वो 91.67 के ऊपर फोकस नहीं कर रखना क्योंकि ये वो मेरिट है जिसके ऊपर क्लोजिंग मेरिट क्लोज हुआ है। अब इसके ऊपर जो है वो आपको वो वाले मेडिकल कॉलेज मिलेगा जो कि आपकी प्रेफरेंस में नहीं होगा, लाइक डीजी खान या इस तरह, तो आप लोगों ने एटलीस्ट जो है वो 93 या 94 तक का मार्जिन रखना होगा तब जाके जो है आप लोग ये मतलब कि कोई भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। अब आपको हम लोग एक और बेफिक्र बता चला कि जो लास्ट ईयर का जो कि कंप्लीट मेरिट लिस्ट थी ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो अगर 3,300 वाला जो मेरिट नंबर के ऊपर जो नंबर जो स्टूडेंट थी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उनके जो है वो 91.64 क्लोजिंग मेरिट था। अब इनके जो है वो एमटी कैट में 177 मार्क्स थे और इनमें जो इनके एफएससी के मार्क्स थे वो 1,036 मार्क्स थे, और इसमें जो है आपको पता चला कि एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स भी लास्ट ईयर काउंट हुए थे, 10% मैट्रिक के, 40% एफएससी के और 50% एमडी कैट के। तो एफएससी के जो है आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा काउंट होते हैं, लाइक 40%, और इस साल भी एक्सपेक्ट किया गया जरा कि क्लोजिंग मेरिट का जो फार्मूला होगा वो यही होगा कि 10% आपके मैट्रिक, 40% आपके एफएससी और 50% आपके एमडी कैट। तो उसमें जो है ये कंप्लीट आपका एक ये एग्रीगेट कैलकुलेशन के आप लोग लिहाज से देख सकते हैं कि अगर आप 91 अगर आपके मार्क्स लेना चाह रहे ऑल दो आपको 93 से कम जो है आप लोग ना ले क्योंकि 93 से कम जो है आपके लिए एक एटलीस्ट आप इसका मार्जिन रखेगा तब जाके आपका 91.6 और आप क्लोजिंग मेरिट के ऊपर आएंगे। तो इसलिए वैसे अगर जनरल व्यू में हम लोग 91 का एग्रीगेट की बात किया जाए तो उसमें जो है आपके अगर एक स्टूडेंट के एफएससी के 1,030 मार्क्स और मैट्रिक में भी इतने ही थे और उसको जो है वो एमडी कैट के मार्क्स 175 थे तो उसका जो है वो 91 पे एग्रीगेट क्लोज हुआ। इसी तरह जो है अगर आप लोग फर्दर इसमें देख सकते हैं कि 91.4 एग्रीगेट के लिए आपके जो है अगर एफएससी में मार्क्स कम भी है लेकिन आपको जो है एमडी कैट के अंदर आप 193 मार्क्स ले लेते हैं तब भी जो है आपका वो बहुत ज़्यादा आप करीब आ जाते हैं या 194 आप लोग एमडी कैट में मार्क्स ले लेते हैं। ऑल्दो इतना इशू नहीं होता क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं, सिर्फ 20% ऐसा आपका एमडी कैट का टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है एमडी कैट के मार्क्स भी आप लोग जो है उसमें भी आप लोगों ने फोकस रखना और एफएससी के मार्क्स जो है वो बड़े मैटर करेंगे। ऑल्दो अगर कुछ स्टूडेंट के कम भी आ जाते हैं वो भी डिसाइड ना हो क्योंकि एमडी कैट के अंदर भी आपके पास चांस होता है, आप लोग ज़्यादा मार्क्स ले तो आपके पास जो है वो प्रॉपर आप लोग एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग आपसे एक ये भी शेयर करना चाहेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट को पीएमसी की अपलोड हुआ था उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि एमडी कैट के जो है वो 90% जो मार्क्स थे जो जिन स्टूडेंट्स के लिए थे वो 90% से अबव मार्क्स जो है वो 3,889 स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए थे और कुल सीट्स थी वो 3,500 से ज़्यादा नहीं थी गवर्नमेंट की। तो इसलिए आप लोग ये देख सकते हैं कंपटीशन बहुत टफ है, 90% से नीचे के ऊपर जो है वो आप गवर्नमेंट के अंदर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप लोगों को एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेना है तो आपको जो है वो 93-92% का टारगेट
मेरिट रखना होगा, तब जाके जो है आपके अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वाह जी।